लोकसभा चुनाव में देश भर में चर्चा का विषय बनी बाड़मेर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में शुक्रवार को बाड़मेर आए और आदर्श स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। पीएम की सभा में भाजपा के कई दिग्गज नेता उपस्थित रहे। पीएम ने हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का वादा किया। सभा को सीएम भजन लाल शर्मा, प्रत्याशी कैलाश चौधरी सहित कई भाजपा नेताओं ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दूसरी चुनावी रैली राजस्थान के बाड़मेर में की। यहां आरोप लगाया कि ईडी गठबंधन के दल देश से परमाणु हथियार खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ईडी गठबंधन किसके इशारे पर काम कर रहा है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है। आखिर किसके दबाव में आपका गठबंधन हमारी परमाणु ताकत को खत्म करना चाहता है। इसके साथ ही मोदी ने कांग्रेस पर संविधान को लेकर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि ये 400 सीट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आपने 10 साल अच्छे काम करने से मुझे रोकने की कोशिश की है। देश आपको सजा देना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान हमारे लिए गीता है, रामायण है, बाइबल है, कुरान है। यह चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के रेगिस्तान में महिलाएं कहती थी कि घी ढुल जाए तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन पानी नहीं ढुलना चाहिए। मोदी ने इस समस्या को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसमें भी भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा कि देश के सीमावर्ती गाँवों को वे जानबूझकर विकास से दूर रखते थे। वे कारण बताते थे कि सीमा के पास विकास होगा तो दुश्मन के कब्जा करने की संभावना बढ़ जाएगी। ये शर्म की बात है, किस दुश्मन के कलेजे में हिम्मत है कि वो बाड़मेर की सीमा में कब्जा करने की सोचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजस्थान से एक भी सीट जीतने की हकदार नहीं है, इस बार तो उनकी सीटों पर जमानत जब्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर उस काम का विरोध करती है जो देश हित में होता है। हम शक्ति की उपासना करते हैं, लेकिन कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश कर देंगे। कांग्रेस राम मंदिर का बहिष्कार करती है। कांग्रेस रामनवमी की शोभा यात्रा पर राजस्थान में पत्थरबाजी करने वाले दंगाइयों को संरक्षण देती है। देश में घुसपैठी आते हैं तो कांग्रेस उनका स्वागत करती है, लेकिन देश के विभाजन का विरोध करने वाले दलित सिख भाई बहनों को नागरिकता देने वाले सीएए कानून का विरोध करती है। उनको हिंदुस्तान ला करके कहां रखे, देश को जान करके गर्व होगा। ये मेरे राजस्थान की वीर भूमि है। जैसलमेर में ईरान से लाए गए कोविड के वो सारे लोग जो करगिल के रहने वाले थे, वहां वो माइनस टेम्परेचर में रहते हैं, यहां 35-40 डिग्री टेम्परेचर में महीना भर रहे, जब ठीक हुए तब राजस्थान ने उनको घर वापस भेजा था। यह है मेरा राजस्थान। कांग्रेस हर उस ताकत के साथ खड़ी हो जाती है जो देश विरोधी होती है। आप देखिए, हम लोग देश में राजस्थान में शक्ति की उपासना करते हैं, माता की उपासना करते हैं, लेकिन कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश कर देंगे। अरे मेरी माताओं बहनों की ताकत तुम नहीं जानते हो, किसी मर्द को आगे नहीं पढ़ाने पड़ेगा। ये शक्ति को नष्ट करने वालों को ये मेरी माता बहनें ही निपट लेगी। जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि भारत के खिलाफ इंडिया गठबंधन वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं, इनके घोषणा पत्र में नजर आता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बंटवारे की गुनाहगार मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आजकल एक पुराना रिकॉर्ड बजा रही है, चुनाव आते ही संविधान के नाम पर झूठ बोलना उनका फैशन है। मोदी ने कहा कि अमेरिका गए तो राष्ट्रपति ने भोज पर बुलाया, वह उन्हें बाजरा मक्का से बना भोजन परोसा गया, ये श्री अन्न हम पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। मोदी ने कहा कि अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो वे दूसरे टर्न में ही बाड़मेर की रिफाइनरी का उद्घाटन कर जाते, लेकिन अब वे गारंटी दे रहे हैं कि तीसरे टर्न में उद्घाटन करने जरूर आएंगे। आने वाले समय में यहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने
बाड़मेर से कमल की जिम्मेदारी भाई कैलाश चौधरी जी को दी है। इसलिए आपको मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हुए कमल पर बटन दबाने के लिए प्रार्थना करने आया हूं, आपके आशीर्वाद लेने आया हूं। मेरी माताएं बहनों के आशीर्वाद, मेरे नौजवानों के आशीर्वाद, मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद, धानी धानी मेरे किसान भाई बहनों के आशीर्वाद, यही मेरी ऊर्जा है, यही मेरी ताकत है। चाहे जितनी गर्मी हो, 26 अप्रैल को सुबह सुबह ही कमल का फूल खिलना चाहिए। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, भारत की जिस तरह से तरक्की हो रही है, ये प्रत्येक व्यक्ति अच्छे से जानता है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये पश्चिमी राजस्थान, इस राजस्थान के अंदर भी आने वाले समय के अंदर हम राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ ही बाड़मेर जैसलमेर को हम विकसित बाड़मेर जैसलमेर बनाने का संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे। सभा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत तेजी से विकास कर रहा है। आज अर्जुन टैंक, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, प्रचंड हेलीकॉप्टर, INS विक्रांत, अर्जुन टैंक, पिनाका रॉकेट और ब्रह्मोस का उत्पादन भारत में हो रहे हैं। 2014 से पहले भारत में एक भी इस तरह का निर्माण नहीं होता था। जनसभा को बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी, प्रत्याशी कैलाश चौधरी सहित कई वक्ताओं ने प्रधानमंत्री के आने से पहले संबोधित किया। सभा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे।